दोस्तों ये है 90 दशक के सुपरस्टार गोविंदा का घर गोल्डन बीच। जी हाँ दोस्तों, इसी में उनका एक घर है और उसी में इनका एक ऑफिस भी है। और दूसरा घर इसके जस्ट अपोजिट साइड, ये बगल में जो आप लोग बिल्डिंग देख रहे हैं, ऊपर का टोटल दो फ्लैट है जिसका नाम है जल दर्शन। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के व्लॉग। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं जुहू में, जहां पर गोविंदा जी का घर है। वहां पर उनके यहां पर दो घर हैं जिसका नाम है गोल्डन बीच, और वहीं पे का पूरा घर ही उन्होंने खरीद लिया है और उनका उसमें ऑफिस भी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गोल्डन बीच में जो उनका घर है वो भी दिखाऊँगा, और साथ में आपको जल दर्शन का भी दर्शन कराऊंगा जिनमें गोविंदा जी का दो फ्लैट है। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए हमारे पीछे वहाँ पर जो आपको घर दिख रहा होगा, वो ग्रीन कलर का पर्दा ऊपर लगा है, वही है गोविंदा जी का गोल्डन बीच, और उसके जस्ट बाजू में है यहाँ पर गोविंदा जी का जल दर्शन, और उसी के आगे है विवेक ओबराय का घर। उसका भी वीडियो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखा दिया है। तो चलिए अब देखते हैं कि गोविंदा जी का घर कहाँ पे है और कैसा है, उनके घर की प्राइस वगैरह क्या है। तो पूरी वीडियो देखने के लिए लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फाइनली गाइज, हम गोविंदा जी के घर पे पहुंच चुके हैं। ये जो आप लोग प्यारी सी 7 मंजिला बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी में गोविंदा जी रहते हैं और उनकी पूरी फैमिली भी इसी बिल्डिंग में रहती है। आपको हम बता दें कि ऐसा नहीं है कि ये पूरी बिल्डिंग गोविंदा जी की है, क्योंकि यहाँ पर देखिए वहाँ पर अन्य गाड़ियाँ भी खड़ी हैं अंदर, और एक गाड़ी अंदर जा भी रही है। इसमें और लोग रूम रेंट लेकर रहते हैं, फ्लैट खरीद के रहते हैं। इस बिल्डिंग का नाम है जल दर्शन, जहाँ पे गोविंदा जी की फैमिली रहती है। तो मैं आपको बता दूँ कि इसी के अपोजिट साइड में उनका दूसरा घर है, जहाँ पे उन्होंने उनका खुद का घर है, उसका नाम है गोल्डन बीच। उसी में उनका घर है, करीब उसमें 7 लोगों का घर बना हुआ है, जिसमें कैलाश खेर जी भी रहते हैं और गोविंदा जी का उसी में ऑफिस भी है। तो ऊपर का जो आप लोग दोनों फ्लैट देख रहे हैं, 7वां और 6वां मंजिल, उन दोनों में गोविंदा जी की पूरी फैमिली रहती है, मतलब वो दोनों फ्लैट गोविंदा जी का है। 6वां और 7वां यहाँ पर उनकी पत्नी, उनके जो भी बेटे बेटियां हैं वो लोग रहते हैं। और ये देखिए जो रोड है, ये अक्षय कुमार के घर के साइड चला जाएगा। आगे आप करीब 200 मीटर जाएंगे तो आपके राइट साइड में एक गली कटा है, वहीं से अक्षय कुमार ऋतिक रोशन के घर पे आप लोग जा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो रोड गया है, ये थोड़ा सा आगे जाएंगे जहाँ पे वो रेड कलर के पहन के खड़े हुए हैं, वहीं पे विवेक ओबराय जी का घर है। तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, फिलहाल पहले आप लोग जल दर्शन का दर्शन कर लीजिए जहाँ पे गोविंदा जी की फैमिली रहती है। इसके बाद हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे गोल्डन बीच का भी नज़ारा, जहाँ पे उनका खुद का घर है। और गार्ड से पूछने पर गार्ड ने बताया कि वो हमेशा 5:30-6 बजे के करीब में सामने जो गार्डन है उसमें टहला करते हैं, वॉकिंग करते हैं, और अभी उनका कोई शूट वगैरह चल रहा है, इसकी वजह से अंदर जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि गार्ड ने ये खुद ही बताया है। तो फिलहाल ये जो घर आप लोग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग, इसमें दो फ्लैट गोविंदा जी का है। अगर आप लोग कभी भी जुहू घूमने आते हैं तो जल दर्शन आ सकते हैं, इसी में गोविंदा जी की पूरी फैमिली और गोविंदा जी अक्सर रहते हैं। आपको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा दूं कि देखिए यहाँ पर नीचे के जो फ्लैट हैं, यहाँ बगल में यहाँ पे कपड़े उपड़े टांगे हुए हैं, इससे साफ पता चलता है कि और लोग इसमें रहते हैं। लेकिन जो ऊपर के दो फ्लैट हैं वो काफ़ी शानदार और VIP लग रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर पूरा अच्छे से कांच वगैरह लगाया गया है और पर्दे भी टांगे गए हैं। वही दोनों फ्लैट जो है ऊपर के, वो दोनों गोविंदा जी के हैं। गाइज आपको बता दें, ये जो फ्लैट है, ये फ्लैट करोड़ों का है, और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अंदर बहुत सारी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। और जल दर्शन जो है, इसके दो गेट हैं, एक गेट यहाँ पर ये है जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, और एक गेट इसका ये बगल में है जहाँ पर आंटी लोग खड़ी हैं। दो गेट जल दर्शन का बना हुआ है ये, और ये शानदार सी बिल्डिंग आप लोग देख रहे हैं कि 7 मंजिल ये बिल्डिंग है। ऊपर के दोनों फ्लैट गोविंदा जी के हैं और काफ़ी सुंदर लग रहा है ये बिल्डिंग देखने में, और इसका नज़ारा काफ़ी कमाल का है। गोविंदा जी का मुंबई में 3 घर है, जी हाँ 3 घर, 2 घर तो आपको मैं आज दिखाई दूंगा इस वीडियो में। ये जो घर है, ये जल दर्शन का फ्लैट है दोनों ऊपर का, और जो भी मैं गोल्डन बीच में दिखाऊंगा वो भी उनका खुद का घर है, जहाँ पे उनके जो ऑफिस वगैरह है वो सब मौजूद है।
तो गाइज चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको हम गोल्डन बीच वाला जो घर है उसको भी दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही आप लोग थोड़ा सा आगे आएंगे आपको ये गोल्डन बीच का एक शानदार घर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखिए गार्ड साहब भी बैठे हैं, जो ये ब्लू कलर की पॉलीथीन ऊपर से डाली गई है यही गोल्डन बीच वाला उनका घर है। देखिए अंदर का कुछ नज़ारा ऐसा है, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। इस गोल्डन बीच में करीब 7 लोगों का खुद का घर है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोविंदा जी का है। और जो आप लोग ये किनारे वाला देख रहे हैं और बीच वाला, ये कैलाश खेर का और गोविंदा जी का है। कैलाश खेर को तो आप लोग जानते ही होंगे और गोविंदा जी यहाँ अक्सर, इसके पीछे एक छोटी सी बगानी है, गार्डन है, उसमें गोविंदा जी रोज़ शाम को 5:30-6 बजे के करीब में टहला करते हैं, वॉकिंग करते हैं, जो गेट के रास्ते से सीधे दिखाई देता है। तो यही घर है गोल्डन बीच वाला उनका। और यहाँ पर देखिए लिखा है मंसूरी 03 गोल्डन बीच सोसाइटी जी, इसका नाम यही है। इसी में गोविंदा जी का खुद का घर है और यहाँ पर गार्ड साहब लोग भी बैठे हुए हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर गेट पर पॉलीथीन वगैरह लगाया गया है और गोल्डन बीच वहाँ पर नेम प्लेट भी लगाया गया है। जस्ट इसके बाजू में थोड़े दूर पे विवेक ओबराय का घर है और उसके थोड़े से आगे बगल में अपोजिट साइड में गोविंदा जी का जो जल दर्शन है वो है। आपको बता दें कि गोविंदा इस समय जुहू बीच मुंबई में स्थित जो बहुमंजिला हवेली है उसी में रहते हैं। और जो रोहिया पार्क के पास चहल पहल वाले और कुलीन गांधी ग्राम रोड है ये यहीं पर स्थित है। गोविंदा के घर से आप जुहू बीच का नज़ारा साफ देख सकते हैं। आपको बता दें कि जुहू मुंबई का एक पॉश इलाका माना जाता है, इसलिए यहां पर अन्य कई सारे सेलिब्रिटी भी रहते हैं। इन्हीं के घर के आसपास में लोकप्रिय हस्तियाँ जो रहती हैं वो अजय देवगन हैं, अनुपम खेर हैं, आलिया भट्ट हैं, शक्ति कपूर हैं, अक्षय कुमार हैं, ऋतिक रोशन हैं, शिल्पा शेट्टी हैं, श्रद्धा कपूर हैं। ये गोविंदा जी के घर के आसपास यानी दूसरी तीसरी गली में रहने वाले सेलिब्रिटी हैं, यानी सभी लोग यहीं पर रहते हैं क्योंकि ये जो इलाका है बहुत ही पॉश इलाका माना जाता है, बहुत ही VIP एरिया है। वहीं पर गोविंदा की कुल संपत्ति के बारे में आपको बता दें तो इनकी कुल संपत्ति गाइज 133 करोड़ रुपए है और वह आमतौर पर एक फिल्म के लिए करीब 5 करोड़ रुपए इस समय चार्ज करते हैं। और वहीं पर अगर वो कोई भी विज्ञापन करते हैं तो प्रति विज्ञापन 3 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। उन्होंने 30 करोड़ रुपए का निवेश भी किया है। गोविंदा लग्जरी कारों को बहुत ही पसंद करते हैं। गोविंदा के पास एक रोल्स रॉयस फैंटम, एक पोर्स पैनामेरा और रेंज रोवर वोग और एक मर्सिडीज बेंज GLS 350D है। और दोस्तों इसके अलावा गोविंदा के पास मुंबई में मध आइलैंड और रुइया पार्क में उनकी 2 और संपत्तियां हैं। गोविंदा ने कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में एक घर खरीदा है। कोलकाता में एक रियलिटी शो की शूटिंग के दौरान गोविंदा ने काफ़ी लंबा वक्त कोलकाता वाले घर में बिताया था। कोलकाता में उनका जो घर है वो रोलैंड रो में स्थित है, जो शहर के सबसे भव्य इलाकों में से एक है। और इसके अलावा गोविंदा का लखनऊ में भी एक शानदार फार्म हाउस भी है जो 90,000 वर्ग गज के क्षेत्र में फैला है। इनका जो फार्म हाउस है वो मोहनलालगंज प्रखंड के सुरम्य और रानी खेरा गांव में स्थित है, जहां पर हरे भरे हरियाली से घिरा हुआ है। और दोस्तों गोविंदा का रायगढ़ में भी एक फार्म हाउस है जहाँ पर वो छुट्टियां बिताने के लिए अपने परिवार के साथ जाया करते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैंने आपको गोविंदा के जो घर है जल दर्शन और गोल्डन बीच में जो उनका घर है उस दोनों घर को आपको दिखा दिया हूँ। उम्मीद करूँगा कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। गाइज अगर आप लोग भी कभी भी जुहू आते हो और गोविंदा जी के घर का दर्शन करना चाहते हो तो जब आप लोग अक्षय कुमार के घर के रास्ते आओगे और वहां से आप लोग थोड़ा सा लेफ्ट मुड़ोगे तो साइड में आपको गोविंदा का जल दर्शन दिखेगा और उसके जस्ट बाजू में सामने विवेक ओबराय का घर दिखेगा, उसके बगल में गोल्डन बीच का जो उनका शानदार घर है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करूँगा यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।